गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में जहां बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है। यह आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 48 है और यहां की जो सर्विस रोड है सबसे पहले यहां पर जो है जलभराव हुआ है और उसके बाद ये जो पूरा पानी है ये कहीं ना कहीं हाईवे के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से एक लंबा जाम जो है गुरुग्राम में लग गया है। ये जो आसपास का जो आप इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में ही जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। सुबह जब बारिश हुई थी यहाँ करीब 1.5 से 2 घंटे की, उसके बाद ये बारिश जो है यहाँ पर ज़्यादा हुई और उसके बाद ये जो पूरा पानी है ये यहाँ पर भरता हुआ चला गया। आप खुद देखिए कि सर्विस रोड का जो पानी है वो हाईवे के ऊपर आ चुका है और यही वजह है कि पूरा दिल्ली जयपुर जो हाईवे है वो जाम है। एक तरफ अगर हम बात करें तो जब दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं तो राजीव चौक से लेकर के और खेड़कीधोला टोल तक एक लंबा करीब 7 किलोमीटर जाम है। इसी तरह से खेड़कीधोला से लेकर के अगर हम बात करें वापसी दिल्ली की तरफ जाने के लिए तो नरसिंहपुर तक एक लंबा जाम जो है लगा हुआ है। ये जो इलाका है नरसिंहपुर का, यहाँ पर सर्विस रोड के साथ में कुछ फैक्ट्रियाँ भी हैं और जो पूरा पानी है बारिश का वो इस फैक्ट्रियों के अंदर भी चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए किस कदर पानी जो है वो भरा हुआ है, किस तरह से प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा है कि पंप के जरिए इस पानी को निकाला जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी होने की वजह से ये पानी पंप के जरिए भी निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार इस जल भराव की वजह से परेशान हो रहे हैं। लगातार प्रशासन ये दावा करता है हर बार कि अब की बार जो है मानसून में जल भराव नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी यहाँ पर बारिश होती है हर बार की स्थिति ऐसी ही रहती है। हालांकि गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो चाहे फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम ही क्यों ना हो, हर बार वो इस तरह के दावे करती है, मीटिंग करती है और साथ में ये तय करती है कि इस बार जल भराव से कैसे निपटा जाए, लेकिन जो स्थिति है वो लगभग ऐसी ही रहती है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल जल भराव जो है वो रहता है, चाहे NHAI के लोग हों चाहे फिर दूसरी जो अथॉरिटी ही क्यों ना हो, नगर निगम या फिर GMDA, वो सब लोग जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर जब हाईवे के ऊपर पानी आ गया है तो यहाँ पर ये वॉलंटियर जो हैं ये खड़े किए गए हैं ताकि गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए। और अभी भी जो आप देखेंगे तो ये जो पानी है ये एक लंबी दूरी तक जो है भरा हुआ है और लोग मजबूर हैं इस पानी में से ही जाने के लिए और आने के लिए। उसके बावजूद भी आप देखिए, ठीक आप पीछे देखेंगे तो अभी भी देखिए किस तरह जल भराव, और जो स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे उनके जो स्कूटर मोटरसाइकिल हैं वो इस पानी की वजह से जो है बंद हो गए हैं और अब वो उनको पानी में ऐसे ही घसीटने के लिए मजबूर हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ट्रक के जो आधे टायर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है जाम जो है वो लगा हुआ है। ये देखिए ठीक मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जो है ये जाम में पिछले काफ़ी देर से फंसी हुई थी, अब इसे निकालने की कोशिश जो है की गई थी। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी भी साथ साथ जो है एस्कॉर्ट इसको कर रही है कहीं ना कहीं, और ये जो लगातार जो एम्बुलेंस है ये यहाँ पर जाम में पिछले काफ़ी समय से फंसी हुई थी, इसे कोशिश की जा रही है निकालने की। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त गुरुग्राम में हो रखी है। सुबह जो बारिश हुई उसके बाद से ही, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ कि लोग जो अपने दफ्तर जाने के लिए जब ऑटो से या स्कूटर से नहीं जा पा रहे हैं तो उन्होंने इस ट्रैक्टर का सहारा लिया है। आप देखिए इसमें कुछ युवती बैठी हैं, कुछ युवक जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं इस रास्ते में आगे जाके जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने इस ट्रैक्टर का सहारा लिया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि आज गुरुग्राम में जो बारिश हुई है उसका असर किस तरह से देखने को मिल रहा है और लोग कितने परेशान हैं। गुरुग्राम में सुबह हुई बारिश के बाद से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के हिरोंडा चौक के ऊपर और यहां पर आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये तस्वीरें दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक की हैं। और यहां पर ये जो जाम है ये लंबा जाम इस वक्त लग चुका है और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो बारिश के बाद जो जल भरा हुआ है उसकी वजह से पूरे हाईवे के ऊपर जाम है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो खेड़कीधोला टोल से लेकर के और जो हिरोंडा चौक तक है यहाँ पर भी एक लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि नरसिंहपुर के पास जो सर्विस रोड है उसके ऊपर भारी बारिश जो है वो होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भरा हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है कि ये बड़ा जो जाम है वो लगा हुआ है, क्योंकि
उसकी कारण हर बार हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लंबा जाम लग जाता है। हालांकि हर बार प्रशासन ये दावा करता है कि उसने जल निकासी के पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज़्यादा इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। हर बार ये जो दावे हैं ये बारिश के समय पानी पानी हो जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अब मानसून जो है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होने वाला है और ये आज पहली बारिश थी। इन सब के बावजूद कल यानी कि मंगलवार को 20 तारीख को गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से एक बैठक हुई जिसमें कि नगर निगम GFDA और जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और उसमें ये फैसला लिया गया कि अब की बार जो बारिश होगी उसका जल निकासी कैसे की जाए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मानसून शुरू हो चुका है उस वक्त अगर प्लानिंग की जा रही हैं तो फिर कैसी प्लानिंग रही होंगी और किस तरह की प्लानिंग प्रशासन ने की होंगी, क्योंकि हर बार ये जो जल भराव है ये होता है और उसके बाद ये स्थिति हर बार बनती है, लेकिन बावजूद इसके अब तक जिला प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया है कि इस पानी को कैसे निकाला जाए, इससे कैसे निजात मिले, क्योंकि एक बड़ा शहर दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का जो कि अपने आप में एक बड़ी पहचान रखता है विश्व के मानचित्र पर, उसके बावजूद यहाँ पर हल्की सी जब बारिश होती है तो यहाँ की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है, खास तौर से जल भराव और इसके साथ साथ जाम की स्थिति को लेकर के। पिछले कई घंटों से लोग जो हैं वो इस जाम के अंदर फंसे हुए हैं। सुबह करीब 7 बजे के आसपास ये बारिश हुई थी, 1 से 1.5 घंटे की बारिश के बाद ही स्थिति ये है कि अब पूरा शहर जाम है। पूरा शहर ही नहीं बल्कि आप नेशनल हाईवे की जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि करीब 6 से 7 किलोमीटर का लंबा जाम इस वक्त गुरुग्राम शहर के अंदर लगा हुआ है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।